एक दिन कालिया और भीम दोनों अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। भीम की मम्मी कालिया को घास उखाड़ना सिखा रही थी क्योंकि वो घास के जगह सब्जियों को उखाड़ दे रहा था। कालिया नजर पड़ती है भीम के ऊपर। भीम बहुत जल्दी जल्दी घास काट रहा होता है क्योंकि उसको बहुत पहले से घास काटना आता था। देखते ही देखते दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि कौन सबसे पहले घास काट के सबसे ज्यादा लाने वाला है। तो दोनों निकल जाते हैं फटाफट से घास काटने के लिए और गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है लकड़ी से बने हुए पाइप के ऊपर। तो वो दोनों पाइप के लिए लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को पटकन देने लगते हैं लकड़ी के बने हुए पाइप के लिए। धक्कम धुक्की में वो पाइप टूट जाता है। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है अपनी माँ के ऊपर कि उनकी माँ बाल्टी से पानी भर दी है इतनी गर्मी में भी। तो भीम और कालिया जुगाड़ लगाते हैं जिस पाइप के लिए वो दोनों लड़ रहे थे उस पाइप को लेके आते हैं। पाइप के बीच में होल करते हैं, फूंक मार के उसका सारा कचरा निकालते हैं और पाइप को सामने लगे हुए हैंडपंप के ऊपर लगा देते हैं। फिर कालिया एक धारदार औजार लाता है और उस औजार से उस पाइप के अंदर छेद करता है। फिर दोनों मिलकर वो हैंडपंप चलाते हैं। हैंडपंप चलाने के बाद पानी निकलने लगता है और जितना भी उन्होंने छेद किया था सभी छेदों में से पानी निकलने लगता है। ये देख के उनकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।